बाइक तो टोटल क्रैश हो चुकी है, रात को कोई ठोक के निकल गया। भाई तो आराम से चल रहे थे, कोई स्पीड में गाड़ी ठोक गई है। क्लेम करवा लो इसका भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता बिकॉज आज संडे है। तो हम सोच रहे थे कहीं घूमने निकल जाएं आज, तो अभी तो नहीं मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, ये तो एक सरप्राइज ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखते हैं जीजू क्या कर रहे हैं, उठ गए हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। तो अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आज मौसम बिल्कुल सनी है, घूमने निकल सकते हैं हम कहीं पे। लोग भी संडे का लुत्फ उठा रहे हैं आज, कुछ सुबह सुबह ऐसा व्यू है। देख सकते हैं आप लोग। तो आज का जो ये प्लान है ये मेरा सिर्फ अकेले का, जीजू को कोई पता नहीं अभी तक कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। अब ये तो आप लोगों को भी नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं। जीजू पता है आपको हम कहाँ जा रहे हैं आज घूमने? अभी मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, आप तो सिर्फ ड्राइव करोगे आज, प्लान मेरा ठीक है। पक्का ना चलोगे ना? फिर चलो, तो चलते हैं फिर, शावर कर लेते हैं। तो जाने का प्लान हो गया है रेडी, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े कपड़े डाल लेता हूँ, एक दो थोड़ी पैकिंग की जाए। तो जीजू भी रेडी होके आ गए हैं, ये तो नहा लिए, अब मैं जा रहा हूँ नहाने, उसके बाद चलते हैं फिर फोर्ट। गाइज अभी प्लान में थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, उनकी रात को बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं और जीजू उनको देखने जा रहे हैं यहीं कैडिला कंपनी के साथ ही, उनका TVS के शोरूम में आए हैं वो। अच्छा ये वाली होगी पक्का, तो ये रही बाइक जिसका रात को एक्सीडेंट हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे आए हैं भाई के पास देखने के लिए। तो बाइक तो टोटल क्रैश हो चुकी है, रात को कोई ठोक के निकल गया। भाई तो आराम से चल रहे थे, कोई स्पीड में गाड़ी ठोक गई है। क्लेम करवा लो इसका भाई। तो इन्होंने बाहर बात की होनी, तो बंदा बोल रहा है बाहर 10,000 और एजेंसी वाले बोल रहे हैं 15,000 का काम होगा बाइक का। गाइस बहुत गंदी ठुकी है बाइक, पता नहीं बच कैसे गए बंदे। तो अभी लगभग सुबह के 12 बज रहे हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रही है अब तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ तो काम होगा नहीं आज, कल तक होगा इंश्योरेंस का। तो फिलहाल अभी कंपनी वालों से क्लेम की बात चल रही है, थोड़ा क्लेम तो मिल जाएगा, ऐसे 15,000 मांग रहे हैं एजेंसी वाले। तो अभी वो लोग शॉर्ट आउट करने गए हैं, तो मैं यहीं पर बैठा हूँ, पता नहीं कब आएंगे यार, गर्मी से बहुत बुरी हालत है गाइस। आप देख सकते हैं मैम, हम लोग कहीं जाना था आज, तो ये पचड़ा बढ़ गया। अभी जाना तो है, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल शाम के 2 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं जहाँ पे बाइकों का काम करवा रहे हैं दोनों का। तो भाई बंदों को तो ठीक ठाक लगी है रात को, तो यहाँ पे आए हम दोनों बाइकों का काम करवाने के लिए। तो ये बाइक थी HP 3500 और दूसरे वाली की हालत बहुत ही ख़राब है, 5 की वो HP 87 है, तो वो वहीं पर लगाई है। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो आज जो मैं आपको बोल रहा था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, वो तो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट हो गया था भाई का। तो हम वैसे नालागढ़ फोर्ट जा रहे थे, देखते हैं अब नेक्स्ट वीक देखते हैं, अभी तो छुट्टी नहीं है कोई बीच में। फिलहाल आज तो मौसम बढ़िया हो रखा है, मस्त बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, व्यू भी मस्त हो रखा है। पूरा दिन तो भयानक गर्मी पड़ रही थी, अभी फ़िलहाल
थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। तो साइड तो लग रहा है तूफान आ रखा है, ऐसा ही लग रहा है देखने से। तो यहाँ भी बहुत तेज हवा चल रही है, देख सकते हैं आप। बहुत सुहाना मौसम हो गया है। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ एक भाई का रूम है वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो जीजू जी तो वहाँ गए हैं, मैं सोया था अभी तक, तो बुला रहे थे कि आ जाओ ऊपर तू भी, क्या अकेले क्या करेगा रूम पे। तो वहीं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सच में यार बहुत मस्त मौसम हो रखा है, पूरे दिन तो इतनी गर्मी पड़ी, हालत ख़राब हो गई थी। एक तो वहाँ गाड़ी में बैठे रहे, शॉर्ट आउट नहीं हो रहा था किसी भी गाड़ी में, बंदे को लग गई, गलती बंदों की खुद थी। ट्रिपलिंग पे आ रहे थे और एकदम ओवरटेक करके निकल रहे थे, बाइक तो भाई की क्रैश हो गई है, उनकी बाइक में भी थोड़ी लगी थी। तो ये अपनी कॉलोनी का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि मौसम थोड़ा ख़राब है तो अल्टीमेट लुक आ रहा है। तो आजकल के मौसम पे तो यहाँ पे ये वाला फूल निकलता है, जो कि कतई बहुत ही ऑसम है ये वाला। यहाँ पूरे गार्डन में फूल फूल खिले हुए हैं। तो अभी मैं कॉलोनी से बाहर निकल आया हूँ, ये पिंजौर रोड है, देख सकते हैं अभी ट्रैफिक तो बढ़ने वाली है थोड़ी देर में। अभी शाम का टाइम है तो हमें ध्यान, ट्रैफिक जाम होता रहता है रोज। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो मुझे गांव से एक अपना दोस्त मिला है, लू क्या हाल है? ये मेरा दोस्त है गांव से, और हम मार्केट में निकले हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस टाइम पे कितनी ट्रैफिक होती है बद्दी में, हर हर किसी को होड़ लगी है जल्दी 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 जल्दी। तो मैं तो सोया ही रह गया, जीजू निकल गए थे चुपचाप से, आज तो थोड़ी इनका क्लास भी लेनी होगी। आप देख सकते हैं शरीफ चेहरे को, मासूम सा चेहरा है, पर ये आज कुछ कर गए मेरे साथ, आप जानते नहीं आज। अकेले अकेले निकल जाते हैं आजकल, ये थोड़े बिगड़ रहे हैं, इनकी थोड़ी ना कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना हाई कोर्ट में, तब ये सुधरेंगे थोड़ा। फिलहाल हमारी लड़ाइयाँ तो ऐसे चलती रहती हैं। अभी हम पहुँचे हैं, कौन सा चौक है ये? दावत चौक, दावत चौक। वो लाइटनिंग भी हो रही है आज तो, बाटिया बाटिया कॉलिंग। हाँ रोटरी चौक पहुँचा, रोटरी चौक। ठीक है ठीक है, आते हैं। तो लगता है जीजू किसी दिन आपका कार्ड निकाल के चुपचाप विशाल मार्ट और बिग मार्ट जाना पड़ेगा, चलना तो है नहीं आपने चंडीगढ़ का भी। फोर्ट का प्लान और चेंज हो गया आज, बढ़िया जा रहे थे फोर्ट, ठुक गए वो लोग, फालतू में ठुक गए वो लोग। उन्होंने पी थी रात को विदाउट पी, देखा नहीं आना, रॉन्ग साइड चले थे, रॉन्ग साइड का वो भी राइट ही थे, दोनों ने गलती है, राइट थे और थोड़ा सा की स्पीड ज़्यादा थी उनकी भी, उनकी कम थी दूसरे की स्पीड ज़्यादा थी, तो ओवरटेक पे तो स्पीड होनी है। और आगे बस चली थी तो उस चक्कर में दिख रही उनको, फिर बाइक भी आ रही है पीछे पीछे से भाई, वही मैं बाइक तो वाले ने ये टक्कर मारी है उनको दूसरे बाइक वाले, इमेजिन भी कोई नुकसान नहीं है और जिनको टक्कर लगी है उनका बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान तो अपाचे का हुआ है, उनका तो कुछ नहीं है, पल्सर का थोड़ा सा ही काम हुआ है करने को, 2000 का खर्चा। 5000 ले लिया हूँ, क्या था वो उनका फ़ोन भी पहले टूटा, ये तो होती है लोकेलिटी।
बहुत गंदी चीज़ है, लोकेलिटी है वो गंद। तो आज तो भयानक ही लाइटनिंग हो रही है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है धीमी धीमी। मौसम ठंडा हो गया है। मौसम तो ठंडा होना ही है, मौसम ठंडा ही चाहिए। आज की पूरा दिन कितनी गर्मी थी। मामू भी जा रहे हैं, पुलिस वाले मामू, बारिश में क्यों भीग रहे हो? मामू को हॉर्न दो जरा, मामू हटना जरा साइड। तो फिलहाल हम लोग ट्रैफिक से निकल के आ गए हैं, अब हम भाई के रूम जा रहे हैं। यहाँ पे भाई का रूम है, एक भाई का रूम है यहाँ पे। यहाँ पे पहले हमारा पुराना रूम हुआ करता था, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि तब हम ब्लॉगर नहीं थे ना गाइस, सॉरी। अगर हम उस टाइम के ब्लॉगर होते तो आज मिलियंस में होते। चलो बैग, खाने पीने का पूरा सामान पैक करवा के ले आए हैं। अब हम मस्त आज मस्त खाना खा के सो जाएंगे। हेलो गाइस, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। हम लोग भाई हमारे वापस आ चुके हैं, अभी हम लोग रूम जा रहे हैं, इस बार मिलते हैं।